और इसे पहले पता चल जाता है। हैप्पी दिवाली मम्मी, पूरे घर में भागेगी है। आज इसको 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है। कोशिश करेंगे। क्या हो गया आपको? वहाँ घुमा, तेज घुमा, तेज घुमा। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो एक नया दिन, नई शुरुआत, सबको सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो आज के दिन सब लोगों को हमारी तरफ से भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली दिन स्टार्ट हो चुका है और दिन स्टार्ट होते ही फटाफट इधर से उधर पैकिंग स्टार्ट हो गई। शालू और देवर ने उठ के सारा क्लीन अप कर दिया, जो रंगोली बनाई थी और जो सामान इधर उधर मैसी था। और आज हम गाज़ियाबाद निकल रहे हैं। यस, तो उसके लिए भी अभी मैं जा रहा हूँ बाहर गिफ्ट लेने, क्योंकि दिवाली पे हम गए नहीं, तो आज जा रहे हैं तो दिवाली गिफ्ट भी होगा, भैया दूज का भी होगा। तो फटाफट शालू रेडी हो रही है, पैकिंग उसने ऑलमोस्ट कर ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैकिंग थी नहीं, क्योंकि वन डे में हमने वापस ही आना है। तो अभी फटाफट चलते हैं गिफ्ट लेने, आते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं सीधा। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ और ये गिफ्ट लेकर आए हैं घर के लिए। एक्चुअली ये जो कुकीज़ हैं, नमकीन कुकीज़ हैं, ये बहुत पसंद है मम्मी पापा को। और उसके साथ हमने ये नेचो एंड पीनट्स ले लिया है। आई होप कि उनको अच्छा लगे। तो पैकिंग सारी हो चुकी है और इसका ये जो बेड है ये रेडी हो चुका है। शालू ने सारा कुछ पैक कर लिया, तो अब निकल रहे हैं और इससे पहले पता चल जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं। आपको नहीं ले जा रहे। तो गाइज, अब चलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको गाज़ियाबाद, ठीक है? तो गाइज, हम आ चुके हैं, अब चलते हैं, सरप्राइज देते हैं, बिकॉज मम्मी पापा सबकी फेवरेट कुकीज लेकर आए हैं। चलिए, हैप्पी दिवाली मम्मी। ये क्या लेके आ गए, इसकी क्या जरूरत थी? आपने जो भेजा हमें सरप्राइज कर दिया। मेरा फेवरेट था, शालू का फेवरेट है, दिव्या का फेवरेट, सबका फेवरेट। तो हमने कहा हम के पीछे रहे। मुझे पता था आपको ये पसंद है कुकीज। ये जो चीज है ना, सर्च करने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मम्मी का फेवरेट है कुकीज, तो मुझे कुकीज ही लेनी थी। नहीं, मुझे पसंद तो है लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ भी आशीष लेके आया है। नहीं, हम पीछे कैसे हटे? आप लोग आ गए, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है? बहुत बढ़िया। वो अडोरो बाहर भाग गई है, नमन आया हुआ है ना उसके पास, मैं उसको लेकर आती हूँ। अडोरो को लेकर आओ फटाफट। हाँ, लेकर आती हूँ मैं उसे। पूरे घर में भागेगी है। ये लो, मैं ले आई इसको, पकड़ो। अडोरो आ गया। हैप्पी दिवाली अडोरो। रास्ते भर ये सोकर आई है। रास्ते में कोई भी ट्रैफिक जाम, हमें कुछ मिला नहीं, तो आराम से हम पहुंच गए। ये ना रास्ते में नींद आती है इसको। रास्ते में सोकर आई है। गए थे तो कैसे सो रही थी? बिल्कुल रास्ते में ही सोती रही। तो अब मस्ती करेंगे आराम से, क्योंकि भैया दूज है तो पटाखे भी लेकर आए, थोड़े बहुत तो पटाखे भी एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है। हेलो गाइस, वी आर बैक गाजियाबाद। तो सबको हमने गिफ्ट्स दे दिए हैं उनके, और नमन के लिए मैं ये लाई थी, क्या ये स्विस रोल मिनी, तो हम नमन को भी दे देते हैं। आओ नमन, लो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू नत्ते। हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नमन की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। और हम टाइम पे पहुंच गए, बिल्कुल भी जैम नहीं मिला, और ये कंफर्टेबली आ भी गई है। हाँ। इसको पता भी चला, ये स्लीपी मोड पे आई और इतना खुश हो जाती है यहाँ के, पूरा ऐसे भाग रही है ये तब से, और अब थक गई है। और इवन दो जो दिवाली के कुछ पटाखे थे वो हम ले आए यहाँ पे, और दीदी बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हुई है, और वो एंजॉय करेंगे भी थोड़ी देर। और आज इसको 6 मंथ कम्प्लीट हो रहा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ इसके लिए कुछ ट्रीट्स बनाऊं, तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं। ये दोनों दिन बहुत स्पेशल थे, दिवाली कल का दिन जो इसकी फर्स्ट दिवाली थी हमारे साथ, और आज इसको 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज भी कुछ स्पेशल होने वाला है इसके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, शायद बाहर जाएंगे, पहले चाय पियेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे, और इसके लिए कुछ मैं सोच रही हूँ ट्रीट्स बनाऊं जो इसको अच्छे लगे। बिल्कुल, अभी चलेंगे बाहर और कुछ लेकर आते हैं, सो दैट इसको बहुत अच्छा लगे और हम सेलिब्रेट करें और ये मेमोराइज करें। अब मैं उतार देती हूँ अडोरा, क्योंकि नत्ते ना बड़ी देर से वेट कर रहा है इसके साथ खेलने का। खेलना है तो ठीक है, आप दोनों खेल लो और खा लेना उसको, ठीक है? उसको खा लेना बेटा। हाँ डोरा। अभी गाइस, मैं और शालू बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने, और जैसे ही 6 मंथ हो चुके हैं आप लोगों को पता है, तो इसके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे हम सेलिब्रेट कर पाए, और शालू की ही क्रिएटिविटी होगी कि वो उसको कैसे कन्वर्ट करती है केक पे।
तो गाइज एक्चुअली ऐसा हुआ है, जो हम लेने आए थे एडोरा के लिए तो शॉप बंद है, पेट शॉप, तो मिल नहीं पाया। और अब हम वापस जा रहे हैं यार, कुछ ना कुछ केक बनाएंगे उसके लिए, उसको ट्रीट देनी थी बट वो मिल नहीं पाई, तो अब वापस चलो। उसका बर्थडे था 6 मंथ का यार, बट यहाँ ट्यूसडे है तो आधी से ज़्यादा मार्केट क्लोज है, तो अब घर जाके कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, उसको खुश करना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं घर। कोशिश करेंगे। जो पेट शॉप थी वो तो क्लोज थी बिकॉज ट्यूसडे, तो ट्रीट्स मिल नहीं पाई, तो इससे बेटर ट्रीट क्या होगी, ट्राई करते हैं, हैंडमेड केक होगा, उसको डेकोरेट करेंगे जितना पॉसिबल हो पाए। तो केक शॉप के बाहर ये कुछ प्यारे से डॉग्स मिल गए, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे हमारी एडोरा जैसे। उसके बाद हम जो है दूध वगैरह लेने चले गए थे क्योंकि शाम की चाय भी पीनी थी, ये सब लेकर हम घर चले गए। और ये देखो, सो ये एडोरा का मैंने थोड़ा सा प्यारा सा केक बनाने का ट्राई किया और ये बहुत ही ज़्यादा भूखी है, ये देख लो। हाँ मिल रहा है आपको, आप ही के लिए तो है। एक्चुअली आज ट्यूसडे था तो सब कुछ बंद था, तो यही बन पाया मुझसे। इसका सारा फोकस सिर्फ खाने पर है, खाने पे ही बट अभी ये वेट कर रहे हैं, अभी ये भी सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको सारा इसने ही खाना है यार। कोई नहीं यार, इसे खिला दो। हाँ इसे खिला दे, खिला दे, खिला दो, पहले बिस्किट से ट्राई करो। बिस्किट ये नहीं काटेगी, डायरेक्ट मुंह लगाएगी। बिस्किट करते हैं। तो गाइज एडोरा का 6 मंथ्स का बर्थडे तो सेलिब्रेट हो चुका है जितना पॉसिबल रहा, बिकॉज यहाँ ट्यूसडे है और काफ़ी हद तक शॉप्स बंद है। जो लेने गए थे, जो इसकी ट्रीट्स थी वो मिली नहीं, बट कैसे ना कैसे जुगाड़ करके शालू ने इतना टेस्टी केक और कैप, ये जो डॉल है, कैप है, ये सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। तो फाइनली अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये खा के ना अभी रेस्ट मोड पर आ गई है, बट थोड़ी देर बाद ये फिर रीएक्टिव होगी और फिर इसको खाना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। देखो सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप नाराज़ होकर बैठे हो, इधर आओ, आपको विश कर रहे हैं सारे यार, 6 मंथ बर्थडे आपका, क्या हो गया आपको, हैं, क्या ऐसा हुआ आपको, बताओ मुझे। तो गाइस इतने तो अपनी पेट पूजा पूरी कर ली है, ये तो सेटिस्फाइड हो चुकी है और अब ये रेस्ट मोड पे आ गई है, क्योंकि ओवर फीडिंग ना हो जाए तो थोड़ा कम ही रखा था फूड, और अब हमारे डिनर करने की बारी आ चुकी है। तो बहुत ही फर्स्ट क्लास दाल बन रही है, मम्मी बना रही है, और शालू चटनी बना रही है, आपको पता ही है चटनी एक्सपर्ट तो शालू है ही। तो अभी डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ। खाना हो चुका है, अब थोड़ी सी मस्ती करते हैं। दीदी, शालू और मम्मी, हम सबका प्लान था ऊपर से, थोड़े से जो बचे हुए ये पटाखे थे, घड़ियाँ, पेंसिल, तो ये एंजॉय करने अब टेरिस पे जा रहे हैं, तो चलते हैं। और एडोरा भी उड़ गई, तो चलिए हम चलते हैं। वेरी गुड, करो करो आराम से, जो है आराम से करो, आराम से आराम से। नमन, वेरी गुड, घुमा घुमा, तेज घुमा, तेज घुमा। तो गाइस हम सब नीचे आ चुके हैं, पटाखे खूब इंजॉय किए हैं मैंने, शालू, दीदी ने, मम्मी ने, नत्ते ने, नत्ते की सिस्टर ने, तो मजा आ गया। तो अब हम इस व्लॉग को बिल्कुल एंड करते हैं, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो आपने करना ही है क्योंकि ये सपोर्ट हमें बिल्कुल चाहिए।